हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर वन, क्लास टेंथ का चैप्टर वन, रियल नंबर। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और मोस्टली बच्चे, मैंने देखा है, मोस्टली बच्चे इस चैप्टर का क्वेश्चन छोड़कर ही आते हैं, बिकॉज हम इसका जो बेसिक है वो बेसिक थ्योरी नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन करना कैसे है। अगर आप इसका बेसिक समझोगे तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और आज हम आपको विद बेसिक ये क्वेश्चन समझाएंगे, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा और आपके एग्जाम में 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे बहुत ही इजीली, और यहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा। तो हमारे चैप्टर का नंबर वन का नेम है रियल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में आपके ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। तो बच्चों आपको रेशनल और इरेशनल नंबर भी पता होना चाहिए। क्या होता है रेशनल नंबर? आपको पता है पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज क्यू डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो देन पी बाय क्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देन सेकेंड आपके पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा होता है बच्चों? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जैसे जो किसी का पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होते, जैसे √2, √3, √4 लाइक दैट। ठीक है, अब हमने रियल नंबर का पढ़ा कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ये पढ़ा आपने। लेकिन आपको इसमें क्या यूज है रियल नंबर का, कैसे आपको करना है? तो बच्चों जो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल है वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जाम्पल भी आ सकता है और एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 1.1 में है वो यूलिड थ्योरम है, जो हम आपको बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करवाएंगे। आपको इन फ्यूचर कभी भी इस थ्योरम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास यूक्लिड थ्योरम का बेसिक क्या है। यूक्लिड थ्योरम का ही यूज करके आपका क्वेश्चन वन टाइप का जो है चैप्टर वन का वो कवर होता है। तो बेसिक क्या है बच्चों इसका? इसमें आपका रहेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका एक लाइक दैट थ्योरम है। मैंने क्या कहा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां पे r आपका है उसे हम लाइक आर रिमाइंडर ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आर आपका हमेशा या तो जीरो के इक्वल या नेगेटिव नहीं होगा और आपका लेस देन बी होगा। जो यहाँ पे बी है, जो बी है यहाँ पे आर जो होगा आपका, ये वाला आर जो होता है आपका वो या तो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है और हमेशा बी से छोटा ही होगा आर की वैल्यू। जब हम मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दूसरा क्यू आपका पॉजिटिव होता है, जीरो भी हो सकता है, सॉरी जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है लेकिन होगा पॉजिटिव ही। ठीक है, अब मैंने आपके सामने लिया एग्जांपल। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a और b इंटीजर हैं, a और b आपके इंटीजर हैं। इंटीजर्स आपको पता होगा क्या होते हैं? इंटीजर्स बच्चों वो नंबर होते हैं जीरो, जिसमें जीरो भी आता है, प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं। ठीक है, जिनमें प्लस के भी नंबर आएंगे, जीरो भी आएगा, माइनस के भी नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसका कोई भी एग्जांपल लेते हैं। आपने लिखा 18 को आपने कैसे लिखा? 9 × 2 + 0 यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस ए आपका 18 है, बी आपका 9 है, क्यू आपका 2 है, आर आपका 0 है। ठीक है, हमने इसको इससे कंपेयर किया। आप कोई और नंबर ले लोगे, आपने लिया 25, आपने लिखा 3 8 + 1, आपने 25 को लिखा 3 8 + 1 यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 1।
मैंने आपको क्या बताया, आर हमेशा बी से छोटा होगा, क्यू आपका जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जीरो किस केस में होगा, बाय चांस आपने यहाँ पे थ्री लिखा, ठीक है, आपने क्या कर दिया कि फाइव इंटू जीरो प्लस थ्री कर सकते हो आप, थ्री इज इक्वल टू फाइव इंटू जीरो प्लस थ्री, यहाँ पे ए आपका थ्री है, बी आपका फाइव है, क्यू आपका जीरो है, आर आपका थ्री है, आर यहाँ भी बी से छोटा ही है, आर हमेशा बी से छोटा आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कैसे इस थ्योरम का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एग्जांपल नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, शो दैट एवरी इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2 क्यू एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2 क्यू प्लस 1 वेयर क्यू इज एन इंटीजर। आपको क्या बताना है कि कोई इवन इंटीजर 2 क्यू के फॉर्म में होता है और कोई ओड इंटीजर जो 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, आपको ऐसा शो करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो उसने क्या कहा कि 2 क्यू एंड 2 क्यू प्लस 1 ये उसने इवन कहा शो करना है, ये उसने ओड कहा शो करना है। अब आप इसको कंपेयर करो किससे, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r से, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं, आप लिखोगे लेट a इज एन इंटीजर, आपने लिखा लेट a इज एन इंटीजर अकॉर्डिंग टू दिस, b इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू, r आपके पास क्या हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने इसका बेसिक थ्योरम बताया था कि r आपका 0 से बड़ा 0 के इक्वल और लेस देन b, ये होगा। तो यहाँ पे आपका r क्या होगा, लेस देन r 2, या तो 0 होगा यानी कि r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा ही होगा, 0 और 1 कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव। तो r इज इक्वल टू या तो 0, r इज इक्वल टू 1, ठीक है, b आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये आपने देखा b इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो हमें शो करना था वो आ चुका है, कैसे देखो, इफ आप लिखोगे इफ a इज इक्वल टू 2 क्यू, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू कोई भी इंटीजर है, उसने हमें कहा है क्यू इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है क्यू, तो जब भी आप किसी नंबर को इंटीजर में नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जब भी आप किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो वो हमेशा इवन ही आएगा। तो आप लिख सकते हो इफ a इज इक्वल टू 2 क्यू then a is a an even integer, ये तो basic knowledge है, ये तो सबको ही पता है। दूसरा if a is equal to 2 q plus 1, जब भी आप किसी number को 2 से multiply करके उसमें 1 plus करोगे always आपका is an odd integer। ये क्वेश्चन था, ये आपको प्रूफ करना था, इसमें आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे लेट a इज इक्वल टू इंटीजर, आपने इसको इससे कंपेयर किया, a आपका इंटीजर है, b आपका 2 है, q आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, r आपका b से छोटा रहेगा, वो 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। तो अगर आप देखते हो कि a इज इक्वल टू 2 क्यू होगा तो ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन होगा, और ये 2 से डिविजिबल है लेकिन इसमें 1 प्लस कर दिया है, ये ओड हो जाता है, इज एन ओड इंटीजर। ये था आपका एग्जांपल 2, अब करें एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में आपको क्या करना है, सेम है एग्जांपल 2 जैसा, उसमें आपको क्या बताना है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3 वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू जो है वो कुछ भी इंटीजर हो सकता है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, उसने हमें क्या दिया है, 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3,
उसने हमें ये दिया है, तो आप क्या करोगे, आप इसको कंपेयर करोगे किससे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लेट उसने हमें क्या कहा है, ओड पॉजिटिव इंटीजर, लेट a इज अ ओड पॉजिटिव इंटीजर, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं एग्जाम में भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ये भी आ सकता है, लेट a इज अ ओड पॉजिटिव इंटीजर, आपने ऐसा लेट किया। अब आप इसको कंपेयर करोगे इससे, अकॉर्डिंग टू दिस, जब आपने इसको कंपेयर किया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब आपका b किसके इक्वल रहेगा, 4 के इक्वल रहेगा, बिकॉज b क्यू 4 क्यू, ठीक है, ये रहेगा। आप यहाँ पे लिखोगे वेयर b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, मैंने आपको बताया है लास्ट क्वेश्चन में भी r आपका जो है वो लेस देन b रहेगा, ठीक है, और आपका ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल रहेगा। r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने किया ये, अब आपने किया r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इफ। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, इफ आपका अगर r 0 रहेगा, r आपका 0 रहेगा, हमने यहाँ पे r 0 पुट किया और b आपका 4 है, तो आपका a रहेगा 4 क्यू, ठीक है। दूसरा अगर आपका r 1 रहेगा तो आपका a रहेगा 4 क्यू प्लस 1, अगर आपका r 2 रहेगा तो आपका a रहेगा 4 क्यू प्लस 2, और अगर आपका r 3 रहेगा तो आपका a रहेगा 4 क्यू प्लस 3। चार आपके पास इसमें आंसर निकल सकते हैं, क्या अगर आपका r 0 रहेगा तो आपका a 4 क्यू रहेगा, 1 रहेगा तो 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 3, लेकिन हमने a को लेट किया है, a इज अ ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको देखना है कि ये और ये डिविजिबल बाय 2, टोटली डिविजिबल बाय 2, क्यों, बिकॉज जब भी आप किसी इंटीजर की 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन इंटीजर बन जाता है, ठीक है, और जब आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें प्लस भी इवन नंबर ही किया तो वो भी आपका इवन नंबर रहेगा, तो यहाँ पे आपका और क्या रहेगा, ये और ये, तो आप कह सकते हो कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3, यानी कि आप कह सकते हो 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3। ये था क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका पार्ट फर्स्ट आपका क्या है, आपको यूक्लिड मेथड से सोल्व करना है 135 एंड 225 को, ठीक है, यानी कि आपको इसको फॉर्म में लेके जाना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लेके जाना है, और ये इस क्वेश्चन का एक और रूल है, इससे आपको HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करोगे आप, HCF फाइंड आउट करना है, जब तक r आपका 0 नहीं आएगा तब तक आप इसको लेके चलोगे। करना कैसे है, अब देखो 225 135, आप क्या करोगे 225 को 135 से डिवाइड करोगे, 135 टू जो आपका रहेगा 270, तो 70 तो वो बड़ा हो जाता है तो 1 पे जाएगा, 135 यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा 12 माइनस 390, ये रहेगा आपका। अब आपने किया डिवाइड, लेकिन आपका रिमाइंडर आर जो है वो 90 आया, ठीक है, आपने इसको लिखा कि आपने क्या किया स्टेप वन में 225 इज इक्वल टू बी यानी के 135 क्यू यानी के कोशेंट 1 प्लस आर यानी के 90, आपका ऐसा रहा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप ये प्रोसेस करते रहोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में आपका 135 को 90 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर से डिवाइड करना है। अब आप करोगे तो आपका रहेगा 1
ही जाएगा। यहाँ पे आप माइनस करोगे यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 135 को a लिया, ये आपका रहा 90 इंटू 1, रिमाइंडर आपका रहा 45। अब भी रिमाइंडर आपका 45 है, मैंने क्या कहा रिमाइंडर 0। अब आप 90 को डिवाइड करोगे 45 से, आपको पता है 45 टू जा 90 होता है, ये आपका पूरा पूरा कट हो जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका रहेगा 0। तो आपका HCF क्या आया बच्चों, ये यानी कि आपका 135 and 225 का HCF आपका आया 45। द HCF ऑफ 135 and 225 इज इक्वल टू 45, ये था आपका आंसर। यही है यूक्लिड थ्योरम जिसको आप सोल्व करते हो। इससे अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको टू नंबर्स का HCF निकालना है बाय यूक्लिड थ्योरम से, तो आप यही करोगे। अगर आपने ये नहीं किया, दूसरे किसी मेथड से निकालोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सेकंड और थर्ड है, जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट करवाया है वैसे ही आप पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड भी करोगे, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना है मैंने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या करना है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, जैसे कि हम 2 एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इजी तरीके से हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। उसने हमें क्या कहा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म 6Q+1, 6Q+3 एंड 6Q+5। अब आप इसको कंपेयर करोगे, a इज इक्वल टू bq+r, आप लेट कर लोगे जो उसने हमें कहा है, a इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स फ्री के हैं आपके एग्जाम में। अब आपने किया कंपेयर, अब अकॉर्डिंग टू दिस जब आप इसको कंपेयर करोगे, आपका b जो रहेगा, b वो आपका 6 रहेगा, बी आपका क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। ए आपने लेट कर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर है। आर आपका ऑलवेज क्या रहेगा, बी, बी यहाँ पे 6 है, तो आर आपका आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे ए इज एन पॉजिटिव इंटीजर, लेट लेट किया आपने कि a पॉजिटिव इंटीजर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इज इक्वल टू 6 एंड वी फाइंड r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब अगर r की 5 वैल्यू 6 वैल्यू हो सकती है, और आपने r को पुट किया यहाँ पे, b को भी आपने यहाँ पे पुट किया, तो आपके पास इफ a इज इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, जब आप आर 0 रखोगे बी 6 रखोगे तो 6Q आएगा, आपका 6Q+1 आएगा, आपका 6Q+2 आएगा, आपका 6Q+3 आएगा, 6Q+4 आएगा, 6Q+5 आएगा, ठीक है। अब आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है आपका पॉजिटिव इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है, बिकॉज हमने ए को और ही लेट किया, हम इवन वैल्यू नहीं ले सकते। तो जब भी आप किसी इंटीजर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब भी ये बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप किसी इंटीजर को 1, 2, 3, 4, 5 यानी नंबर को 6 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी 2 के मल्टीपल से, 2 का मल्टीपल मतलब कि जो 2 के टेबल में आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एनी नंबर से जब 2 के मल्टीपल से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, वो नंबर इवन रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये नंबर तो रहेगा आपका इवन, इसको तो हम ए में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपका इवन है, लेकिन जब आपने इसमें 1 प्लस कर दिया तो ये आपका ओड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपका इवन है लेकिन आपने इसमें इवन नंबर को ही प्लस किया, तो ये भी आपका इवन रहेगा। इवन है लेकिन आपने इसमें और नंबर प्लस किया तो ओड रहेगा, यहाँ पे इवन रहेगा, यहाँ पे ओड रहेगा। तो आपने देखा यहाँ पे और नंबर सिर्फ 3 हैं, वो कौन कौन से हैं, वी फाइंड दैट
सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव इज एन ओड इंटीजर. Then we can say that every positive odd integer is form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. और ये लाइन के साथ आपका क्वेश्चन नंबर टू खत्म. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका जो है वो आर्मी वाला है. उसमें आपको HCF यूक्लिड मेथड से HCF ही निकालना है. अगर चैप्टर वन का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको HCF ही निकालना है. और इस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर वन में ही रहेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. इसमें आपके टू नंबर्स है, एक तो 616 और दूसरा आपका है 32. क्वेश्चन को पढ़ो देन आपके पास यही टू नंबर निकल के आएंगे. जब आप ये निकल के आओगे तो आप इसको सॉल्व करोगे यूक्लिड मेथड और आप इसका निकालोगे HCF. तो आपको करना क्या है, इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. यानी कि आपको 16616 को 32 से करना है डिवाइड. 1 पे जाएगा आपका, यहाँ पे रहेगा 32. 11 में से 2 आप माइनस करोगे आपका 9 रहेगा और यहाँ पे आपका 2 रहेगा, ये आपका 6 रहेगा. और जब आप इसको करोगे डिवाइड तो आपका क्या रहेगा, तो ये आपका 9 पे जाएगा, ये 288 आएगा आपका. तो ये आपका 16 माइनस करोगे 8 रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा. तो यहाँ पे आपका पूरा डिवाइड नहीं है, रिमाइंडर 8 है. तो आप लिखोगे 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8. मैंने क्या कहा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्वेश्चन को कंटिन्यू रखोगे. अब आप इसमें, अब देखो यहाँ पे 8 आया, 8 को आप 32 से करोगे डिवाइड. अब आप 32 यहाँ रखोगे, आपको 8 से डिवाइड करना है. ये आपका डायरेक्ट 4 पे डिवाइड होगा और आपका रिमाइंडर रहेगा 0. यानी कि आपका जो HCF आया है वो क्या आया है, 8. आप लिख सकते हो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8. यानी कि जो आपको उसने निकालने के लिए कहा था वो आपका 8 आया. क्या निकालने के लिए कहा था, उसने मैक्सिमम कॉलम निकालने के लिए कहा था. मैक्सिमम कॉलम आपके 8 है, यही आपका आंसर है. इसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, यूज यूक्लिड थ्योरम से आपको एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर यूज इक्वल थ्योरम द शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर इज फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1. ठीक है, आपको दिखाना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है. लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, फॉर्म में किसमें होना चाहिए, 3m एंड 3m प्लस 1 आपको इस फॉर्म में शो करना है. ठीक है, a आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर है, उसने यहाँ पे इवन और ओड की बात नहीं की है. हम लेट कर लेंगे कोई भी 2 या 3 नंबर जो आपके पॉजिटिव इंटीजर हो. हमने लेट किया 3q प्लस 1, 3q प्लस 2. हमने लेट किया ये आपके पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, नाउ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स. अब आप करोगे इन नंबर्स का स्क्वायर. जब आप 3q का स्क्वायर करते हो तो ये आपका आएगा 9q स्क्वायर. ठीक है, जब आप 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हो इसमें आपका लगेगा a प्लस b का स्क्वायर. a स्क्वायर यानी के 9, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर यानी के 1, 2ab यानी के 6q. ठीक है, और दूसरा थर्ड में जब आप करोगे आपका रहेगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस
टू ए बी, ये आपका रहेगा थ्री टू सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व क्यूब है तो यहाँ रह गया क्या थ्री क्यूब स्क्वायर है, है? यहाँ पे क्या लिया कॉमन, थ्री कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा थ्री क्यूब स्क्वायर प्लस टू प्लस वन। यहां से जब आप थ्री कॉमन लोगे बाहर तो यहाँ पे आपका रहेगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन इन प्लस वन, क्योंकि जब आप थ्री वन या थ्री करोगे वन प्लस करोगे आपका फोर रहेगा। ठीक है, कब आपका किस फॉर्म में आया, ये आपका आया आप लेट कर लो, ये के वन है आप लिख सकते हो थ्री के वन, थ्री के टू एंड थ्री सॉरी थ्री के टू प्लस वन भी है आपका, और यहाँ पे थ्री के थ्री प्लस वन। ठीक है, थ्री के वन, थ्री के टू प्लस वन एंड थ्री के थ्री प्लस वन, यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे के वन के टू, के वन के टू एंड के थ्री आपके सम पॉजिटिव इंटीजर हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे सम पॉजिटिव इंटीजर, और हेंस इट कैन से दैट की एंड एवरी, वही लाइन जो आपको प्रूफ करने के ऊपर आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हेंस स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1, इज फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1, इतना करना था आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में, आपको क्या करना है, शो दैट एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। अब आपको क्यूब रिप्रेजेंट करना है फोर्थ में, आपने जैसे स्क्वायर रिप्रेजेंट किया था तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है इसमें क्यूब, किसको किस फॉर्म में, 9m, 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 सॉरी यहाँ पे 9m प्लस 1 और ये 9m प्लस 8, आपको इस फॉर्म में करना है। आप क्या लेट कर लोगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको लाइन जरूर लिखनी है क्वेश्चन में, लेट करोगे आप जो भी। अब आप बाय यूक्लिड्स थ्योरम लेट थ्री क्यू, थ्री क्यू प्लस वन एंड थ्री क्यू प्लस टू इज थ्री पॉजिटिव इंटीजर, आपने लिखा कि थ्री क्यू, थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू थ्री पॉजिटिव इंटीजर है, आपने इनको ले लिया, आपने इनको लेट किया। अब आप इनका निकालोगे क्यूब, और उस क्यूब को आप 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखाओगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं थ्री क्यू का, जब आप थ्री क्यू का क्यूब करते हो ये आपका रहेगा 27 क्यू क्यूब, और आप इसको लिख दो 9 3 क्यूब, 9 इंटू 3 क्यूब वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब है, ये आपका रहेगा 9m, ये आपका आया 9m की फॉर्म में एक पहला नंबर। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा m इज इक्वल टू 3 क्यूब, 9m आपका आ गया। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, अब आप क्यूब करते हो किसका, 3 क्यूब प्लस 1 का, इसमें लगेगा आपका a प्लस b का क्यूब, और जब आप इसका क्यूब करोगे तो ये आपका आएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 सॉरी प्लस 9 क्यू प्लस 1 a प्लस b का क्यूब, ये लगाया आपने क्यूब का फॉर्मूला। और जब आपने यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगाया, अब आप यहाँ से 9 कॉमन ले लो,
दोगे तो यहाँ पे आपका रहेगा 3q³ + 3q² + q + 1। और अब आप क्या करोगे, अब आप m वेयर m इज इक्वल टू 3q³ + 3q² + q। इसको आपने m लेफ्ट कर लिया तो सेकंड नंबर आपका आया 9m+1 की फॉर्म में, ये 9 ये m ये प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 में आपका क्या रहेगा 3q+2, और जब आप इसका क्यूब करते हो तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 27q³ + 54q² + 36q + 8। ठीक है, अब आपने यहाँ से 9 कॉमन लिया, जब आपने यहाँ से 9 कॉमन लिया तो आपका आएगा 3q 6q² 4q + 8। ठीक है, अब आप कर दोगे वेयर m इज इक्वल टू 3q³ + 6q² + 4q। ठीक है, ये आपने कर दिया, ये m है तो आपका क्या रहेगा 9m+8, जो आपका थर्ड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने तीनों प्रूफ कर दिया, फर्स्ट में हमने 9m, सेकंड में हमने 9m+1, थर्ड में हमने 9m+8, जैसे कि हमने आप प्रूफ किया, तो आप कह सकते हो हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 and 9m+8। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 होगा कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, यूक्लिड थ्योरम ही इसी के बेस्ड पे सारे क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको 2 एग्जांपल कराए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमने फर्स्ट 2, 4, 5 तक जो क्वेश्चन किए डिस्कस वो सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो का लिंक मिलेगा, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।